जय हिंद दोस्तों। सिवान जिला से एक बहुत ही बड़ी घटना निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़हरिया थाना क्षेत्र के नूराहता गांव में देर रात को गाड़ी सीखने के दरमियान में कुछ युवकों द्वारा गाड़ी सीखा जा रहा था, जिस दौरान उनकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई। एक्सलेटर बताया जा रहा है कि काफ़ी तेज होने जाने के कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर पोखरे में गिर गई। उसके बाद उसमें तीन व्यक्ति सवार थे, राजीव चौधरी, पप्पू शाह और एक चालक। चालक के द्वारा कैसे भी करके शीशा तोड़कर बाहर निकलने के बाद, शोरगुल करने के बाद ग्रामीण वहां पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से कार को बाहर निकाला गया। उसके बाद दोनों युवकों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल पर पहुंचे समाजसेवी श्रीनिवास यादव जी के द्वारा क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, बड़हरिया थाना क्षेत्र के नूराहता गांव की घटना है, जहां गाड़ी सीखने के दरमियान में गाड़ी अनियंत्रित होने के कारण पानी पोखरा में डूब जाने से दो युवक का मृत्यु हो गई। एक युवक जो गाड़ी सीख रहा था, वो किसी तरह अपना जान बचाने में कामयाबी हासिल हुआ। निश्चित तौर पर ही दर्दनाक घटना है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस घटना में दो व्यक्ति है, जो राजीव चौधरी है, एक पप्पू शाह है, और दोनों व्यक्ति बहुत ही गरीब परिवार के हैं। और नियम है सरकार की कि कोई भी व्यक्ति अगर पानी में डूबने से मृत्यु होता है तो उसको 4-4 लाख रुपया सरकार की ओर से मिलता है। और मैं जिला पदाधिकारी से मांग करूँगा कि इस परिवार बहुत निर्धन है, इनको इंदिरा आवास के तहत एक मकान दोनों परिवार को मिलना चाहिए, और जो मृत व्यक्ति है आपदा के तहत 4-4 लाख रुपया इस परिवार को अविलंब मिलना चाहिए। यही हमारे सरकार और प्रशासन से मांग है।